दोस्त, तो मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, आप यहाँ पे ये वाला पोस्ट देख सकते हो। तो ये वाला पोस्ट मैंने सोचा नहीं था कि आप में से बहुत सारे भाई लोग कहोगे कि इसका ट्यूटोरियल लाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मुझे लगता है, लेकिन आप लोगों को इतना ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस ये जो मेरा फोटो है, ये जो फोटो मैंने एडिटिंग किया, वो मैं कैसे किया, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। साथ में यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे प्रीसेट एंड जो भी पीएनजीज में यूज़ करने वाला हूँ, और जो भी मेरे पास जो मेरा बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप भी मेरे साथ साथ इस एडिटिंग को कर पाओ, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मैं फोटोज़ मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। हर एक फोटोज़ का मैं ट्यूटोरियल बनाने नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत सारे पोस्ट मैं वहाँ पे करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हो। तो गाइस, चलिए फिर इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप भी इस एडिटिंग को करने के लिए कुछ मेरे जैसा ही पोज में अपना फोटो क्लिक करवा सकते हो, ठीक है, फ़ोन से ही क्लिक करवा सकते हो। फिर आप बैकग्राउंड को इरेज करके, मैं आपको ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना वीडियो के एंड में, और जाके कटआउट करके इसको यहाँ पर आपके आके आप ऐड कर लेना, ठीक है। और इस जगह पर आप थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लेना, ठीक है, इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कैसे आपको एडिटिंग करना है तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको शेयर करके लाइटरूम ऐप के अंदर मैं ओपन करता हूँ। तो गाइस, लाइटरूम ऐप के अंदर मेरे फोटो को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में एक प्रीसेट है, ठीक है। इस प्रीसेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ठीक है, आप इस वीडियो के एंड में जाके डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, ये जो प्रीसेट है इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ यहाँ पे जो सेटिंग्स है, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको मैं अपने फोटो में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो कितना ईजी है। अब दोस्तों, आपको एक सेटिंग यहाँ पे चेंजेस करना होगा, क्योंकि देखो एक्चुअली मेरे फ़ोन का जो कलर है वो ब्लू कलर टोन है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन का कोई ऐसा कोई कलर टोन नहीं है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ मिक्स टूल पे, ठीक है। मिक्स टूल पे आने के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ ब्लू कलर टोन को एंड सेचुरेशन को जीरो कर लेता हूँ डबल टैप करके, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। एक बार सियान कलर टोन को भी लेके इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, देख सकते हो ये कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू कलर टोन को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। ये देखो, ये रहा बिफोर एंड गाइस, ये देखो, ये रहा आफ्टर, ठीक है। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। तो गाइस, फोटो को सेव करने के बाद बाकी एडिटिंग हम पिक्सार्ट ऐप के अंदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको शेयर करके पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन करता हूँ। दोस्तों, पिक्सार्ट ऐप के अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा काला टोन है ना, ब्राउन टाइप का, इसको मैं इरेज करूँगा, मतलब इसको ब्लैक एंड व्हाइट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मैं आता हूँ टूल्स पे, फिर एडजस्ट पे, फिर सेचुरेशन स्लाइडर को लेके सेचुरेशन जीरो करता हूँ, ठीक है। ऊपर आता हूँ यहाँ पे, इस तरफ आता हूँ इरेजर पे, फिर इन्वर्ट कर लेता हूँ। अब ब्रश को लेके मैं यहाँ पे इसको पेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये काला टोन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। तो दोस्तों, अभी मैं इसको करता हूँ ऊपर से डन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं वो पीएनजी ऐड करूँगा, जो बटरफ्लाई का पीएनजी मैं यहाँ पे कैप्चर करने का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बनाया हूँ, वो पीएनजी यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आता हूँ मैं यहाँ पे ऐड फोटो में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो बटरफ्लाई का इमेज है, साथ में ये कि यहाँ पे चमकीला इमेज है, इसको मैं लेके इस तरफ रखता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो इमेज है, सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं रखता हूँ कुछ इस एंगल में, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ को मैं बड़ा करता हूँ एंड कुछ ऐसे में इसको रखता हूँ, ठीक है। देखो, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। एंड दोस्तों, ये वाला जो इमेज है ना, इसको आप ब्लेंड मोड को मैं करूँगा स्क्रीन, ठीक है। एंड इसको रखूँगा कि मैं अपने मोबाइल के कैमरा के लेंस के साइड में रखूँगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट भी आता है एंड बहुत ही अच्छा लुक भी यहाँ पे लगता है, ठीक है। सिंपली दोस्तों, इसको मैं ऊपर से करूँगा डन। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक इफेक्ट यहाँ पे ऐड करूँगा, और ये इफेक्ट मेरा बेस्ट है पिक्सार ऐप के अंदर, मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट लगता है। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपको ये प्रीसेट आपको ये इफेक्ट कैसा लगता है, ठीक है। मैं बार बार प्रीसेट बोल रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे मैं आता हूँ इफेक्ट्स पे, फिर इफेक्ट्स पैनल में रह के यहाँ पे आपको एक इफेक्ट मिलेगा जो है VIN3, ठीक है। ये इफेक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, सेटिंग को ओपन करके फेड को यहाँ पे मिडिल में यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ा सा ब्लू टोन यहाँ पे आता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको मैं ऊपर से करूँगा डन। तो गाइस, देख सकते हो मेरा फोटो में कितना ज़्यादा मस्त यहाँ पे लुक आ चुका है इस इफेक्ट को ऐड करने के बाद, ठीक है। अब दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं यहाँ पे बस एक कोट्स यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सिंपली ऐड फोटो में आता हूँ, फिर ये कोट आप देख सकते हो, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा एक साथ। तो इसको मैं लेके कुछ ऐसे में नीचे से रखता हूँ, ठीक है। ये कोट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गेट फोटोग्राफी इज़ अबाउट डेप्थ ऑफ फीलिंग नॉट डेप्थ ऑफ फील्ड। तो सिंपली इसको मैं ऊपर से करता हूँ डन। तो गाइस, देख सकते हो हमारा फोटो एडिटिंग कितना ज़्यादा मस्त यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
तो वीडियो को जाने से पहले वीडियो को एक बार नीचे जाके लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग दोस्तों एंड कीप क्रिएटिंग।